नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखे दोस्तों, 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रही और आंसू बना रही चाय, मम्मी बैठी। तो शाम के टाइम चाय नुकसान दे, लेकिन शाम के टाइम थोड़ी सी याद सी आवे चाय की, झुनझुलाट सी आवे कि यार चाय होनी चाह। और ऊपर तो मेरे तक पूछ ले, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मना करो, जब उनका आज पीनी नहीं बिल्कुल भी, पर जब यह पूछ ले चाय पियोगे क्या, ना करी जाती ना ना फिर बन जा, यो काम चल रहा। तो आंसू बना रही चाय, बच्चे जा रहे ट्यूशन में, बच्चे क्या इशू ही जा रही बस है? नहीं, तो सारे जा रहे हैं। अच्छा, तो कृष्णा जी भी जा रहे हैं, रुई भी, कृष्णा रुई पीयू सारे जा रहे हैं जी ट्यूशन। आज सबको लगवा दिया ट्यूशन, घर तो पढ़ते नहीं बच्चे, पेपर आ गया सिर पे, तो मगर उनका ट्यूशन ही लगवा था। उसके चाचू कह रहे थे कल आप पढ़ते नहीं, मगर यही लिया करो पढ़ाई। अब वो भी तो आ गया, उसका उसकी तो मैंने बात भी नहीं करी थी, दोनों की करी थी, रुई की या पीयू की। अब मैंने फोन करा, मैं कहा आई नहीं, तो कहने की लग रहे, और फोन करा मैं भी आ रहा, मैं कहा तुझे तो मैं ही पढ़ा दूंगी, तू क्या करेगा? नु कह नहीं नहीं, मैं तो पहले वहां पढ़ जाऊंगा फिर आऊंगा आपके पास, फिर पढ़ा लिया तू तो क्या आपके पास बाद में आऊंगा। और चाय बन गई, आ जाओ आप भी। कह रही थी जब आए थे मम्मी पे, हाँ, और कहीं कच्चे थोड़ा ही जाम पड़ी है। अच्छा, फूले फूले खिले वैसे चब जाएंगे, तो मम्मी को पसंद है। अभी स्पेशली इसु ने कहा था जब मैं दुकान पर गई, तो कह रही मम्मी माँ जी के लिए ये पॉपकॉर्न भी ले लो बनाने के, और कल तक कोई कह रही मुझे तो पॉपकॉर्न की खुशबू आ गई घर में, और उसके फिर याद नहीं आए मम्मी वो आज क्या देती आज गरी थी। नहीं, कल कह रहा था कृष्णा मुझे, पापा मुझे पॉपकॉर्न बना के दे दो। अच्छा, उसने देख लिया होंगे फिर। और मुझे ये नहीं पता था यहाँ रखे, नहीं तो मैं बना देता। तो ऐसा है हमारे घर में कोई चीज ऐसी नहीं जो उसका चूक जा, चाहे कहीं रख लो उसका भी निकाल कर जावे। यहाँ कुर्सी लगावेगा, कुर्सी लगा के इस पे चढ़ेगा, और जब सारी अलमारियों की तलाशी ले लगा, वो सारियों की कपड़ों की अलमारी जो अभी सारियों में कुछ भी लगा ले, उस पर चढ़ के बढ़ जा सारे। खा लेगी मक्की के दाने? तो खा लूंगी, हाँ, मक्की के दाने कितने बढ़िया लगे हैं, जो खिले खिले हैं वैसे नहीं चबने के, बस बस वैसा तो दो एक रहे गुणा, तो सारे खिल। हाँ, दावत है आज, दावत है हमारी, दावत है आज है जी, इंदु की शादी की सालगिरह है, दोनों की सालगिरह शादी की, दोनों की शादी की सालगिरह, और आज हमारी दावत है उधर सारी, तो शाम को हम सारे उधर जाएंगे। तो उनको शादी की बहुत बहुत मुबारक, आप भी विश कर दियो जी, खूब सारा आशीर्वाद देना, खूब सारी विशेष देना, आज ना करते गाड़ी वहां ही लगा देते, चल देखते हैं कैसे करेंगे। उबल की चाहे उबल की कर दी बंद, ऐसा तो ही नहीं सकता, मैं खड़ी है चाय बोल जा। अरे मगर ऐसा ही हो जा भाजी फिर। मैं तो कह रही मगर सारे मोटरसाइकिल पे चल, मैं उस पर गाड़ी पे चलेंगे। अरे गाड़ी काटने का है बस, चल नीलू ले जाएगा तो काट के। मैं बताओ कितने सारे हो रहे हैं, हम 3, 2, 5, 6, 3, 9, 7 बाइक पे ले चल जाऊ मैं, 9-10 जने हम, 10-11 हो गए, तो सारे मोटरसाइकिल और बाइक पर कैसे जाओगे? हाँ, मेरे को नहीं है, बाइक पे चले जाएंगे, तब चलियो ना, दादा बस ठीक है, लिया पॉपकॉर्न बना दूंगी। हाँ लिया, हाँ मम्मी को भी भाई सारे मंत्री होगा, और उसका पता मोदी का न्यूज में पूरा इंटरेस्ट ले रही है मम्मी आज का। हाँ सही है, और क्या, और पकड़े तो हमने पी ली है तीनों ने, अब मैं बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न। तो मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है पॉपकॉर्न, और वो आराम से उनसे खाई भी जाते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं है ना इस वजह से, और वे ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जो मतलब इजीली खाई जाए, जैसा रोटी भी वे कम ही खाती है, चावल वगैरह ज्यादा आराम से खा लें, खिचड़ी खा लेती हैं, तो दांतों की वजह से। और जब मम्मी आई थी ना, उनके आने वाले दिन ही जब मैं दुकान पे गई थी थोड़ा सा सामान लेने, तो तभी मैं लेके आई थी, मुझे पता था कि पसंद है। मुझे क्या इशू ही कहने लगी थी कि मम्मी
वो माजी के लिए पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि उसको भी पता है माजी को पसंद है, तो इसलिए ले आई थी। कल मेरे याद नहीं रहे बनाने, तो फिर आज याद आई, मैं कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे से ये पता नहीं हुए नहीं थे, मैंने खोल कर देखे तो इसके पापा कह रहे ला मैं कर दूँ। और ये मैंने पहले इनकी सिट्टी नहीं निकाल ली, वैसे निकाल देते हैं ना, तो वो शायद मेरे दिमाग में नहीं रही थी, तो फिर बाद में थोड़े कच्चे से रह गए थे, तो फिर ये कहने लगे ला मैं कर देता हूँ, तो ये करने लगे। अब ये खाएंगे, क्योंकि मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद है पॉपकॉर्न, और गुड्डू भी नहीं खाती, ईशु खा लेती है। वे सब बच्चे ईशु पीयू रूही कृष्णा चारों ट्यूशन गए हुए, तो मैंने थोड़े ही बनाए क्योंकि हमें जाना है उधर। मैं कहा नहीं अभी थोड़े बना लूँ, ये खा लेंगे और बच्चे खाएंगे तो फिर उधर भी जाना, तो फिर यहीं खा लेंगे, उधर जाकर फिर उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है जो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं फिर खाना नहीं खाते। तो मैं कहा चल कल बना दूंगी इनके लिए। तो यहाँ पे देखे कान्हा जी को भी दे दिए थे इन्होंने, और बस दोनों माँ बेटों का चल गया है खाना। इसके पापा भी खाते हैं अच्छे से और मम्मी भी, और बस टीवी देख रही। नमस्ते बेटा, क्या था ये पैसे थे मम्मी को और डैडी को, 500 में सारा खर्च निकाल लिया। आप ले लीजिए, आओ अच्छा अब स्कूल में तो लेके नहीं जा सकते थे, बना मारो अच्छा। मैं शाम में आया था, मैं मम्मा चलो फिर वो डैडी का आया था ना, तो नहीं गया था मैं। तो देखिए फ्रेंड्स 6:30 बज गए, अब बच्चे भी आगे ट्यूशन में थे, सारे के सारे वही हैं। अब चल रहे हम उधर, इन दोनों ने जो कुछ बना रखा देखते हैं क्या बना रखा, और जो इन्हें गिफ्ट वगैरह लेने हैं गिफ्ट वगैरह ले लेंगे उधर। अभी लोग यहाँ से ले लो राकेश से, पहले ये तो कुछ ले लेंगे जी, और फिर चलते हैं उधर। आज तो हिंदू का खेली लग रही है, तो बहुत हवा बोल लो के सारे यही है, बस वही खेली। हो गए क्या तैयार? बहुत देर हो गई बच्चों को। आज तो मेरा नया लगाया है, इधर को दिखा, इधर लाइट लग रही, चमक लग रही, अब ठीक लग रही। चलो तो बस है। तो यहाँ मैं आ गई थी शॉप पे, और बच्चों ने भी लिया है, पीयू रूही ने अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट, और मैंने भी लिया। और पीयू रूही ने ना सुबह ही जब मम्मी उधर थी तो उधर से आई थी, तो मम्मी को ही मैं पैसे दे के गई थी कि माँ जी हमारे पैसे रख लो आप, जब उधर जाओगे तो हम उधर ही आएंगे, हमें गिफ्ट लेना है। तो मैं फिर मम्मी से ले रही थी, तो सुबह ही दे के चली गई थी मैं जब इधर आई थी इसकी माँ जी। तो यहाँ पे बस उन्होंने भी लिया, मैं पूछ रही थी क्या लेना, तो मैं बस ऐसे ही अपनी पसंद से ही लिया दोनों बहनों ने, जो उसकी मम्मी को पसंद है वो, और डैडी के लिए भी, दोनों के लिए ले लिया और मैंने। तो देखिए जी हम सब चल दिए हैं, और ये बैठ की मम्मी, गिफ्ट वगैरह हमने ले लिया, क्या लिया वो आपको वहीं जाकर दिखाएंगे, क्योंकि हो रही थी हमें लेट, और गाड़ी बाहर खड़ी थी इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। तो यहाँ पे सभी बैठे देखिए, और अंधेरा हो रहा, 7 ही बज गया हमें जाते हुए, चलते हैं जी वहीं पे ही मिलाएंगे आपको। तो
तो यहाँ देखिए जी आ गए हैं हम, ये तो अभी अंदर ही करा लग रहे। अच्छा ये लाइटें नहीं जल रही थी ना, इसलिए अंधेरा होता था। तो आगे हम चलते हैं ऊपर। नमस्ते मौसी जी, हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्यों आता ही जिज्जस वाली लड़न लगे? अरे जिज्जा के बाद तो ही देखा क्या है, जाग तो पता छीन तो ये भी तो, ये भी तो जाकत ही है, बच्चों जितना ही है इनका भी। क्या क्या बना लिया तुमने? राजमा बनाया, चावल बनाए, आलू गोभी बनाई, रोटी इनमें तो लगी रही, ठीक करा, पूरी नहीं बनाई। इसमें क्या है कुकर में? राजमा। और इसमें? इसमें चावल। और इसमें? दूध। और इसमें आलू गोभी। अच्छा चलो, ये भी आज पनीर नहीं बनाया, बच्चे तो पनीर मांग रहे। अरे ये मुझे तो मगर तेरी मौसी ने बना रखा हुआ तो बना कर रहे। बस आज मेरे ध्यान ही नहीं रहा, सही में आया ये मेरे भी दिमाग में पनीर। क्या कह दूंगी उन्हें, क्या कह रहा तू? पता नहीं टीवी सा कह रहा, कुछ क्या कह रहा। चलो मैं सिखवा दूँ इस पर, तू खोदे मैं सेक दूँ, ठीक है। तो यह मैं उसकी हेल्प कराने लगी हूँ थोड़ी सी, बाकी उसने खाना खुना तो बना के तैयार कर लिया है इंदू ने सारा, बस रोटी बनानी रह गई थी। मगर चल तू बना दे, मैं सेक दूंगी तो फटाफट से हो जाएगा सारा काम। और बल्कि वो तो अभी लगी हुई थी, ऐसे ही थी, रेडी भी नहीं हुई थी, मतलब उसने कपड़े वगैरह भी नहीं पहने थे, नाइट सूट ही पहन रही थी, मतलब काम में लग रही थी ऐसे ही। तो उसने फिर खाना बना के जब जाके वो तैयार हुई थी, मैं कह रही थी उसे, मैं कहा तू ऐसे ही है, तो वो कह रही थी कि मैं सोच रही थी पहले कि सारा खाना खुना कर लूँ, सारी तैयारी कर लूँ, तो उसके बाद फिर आराम से मैं बना लूंगी, मतलब तैयार हो जाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए मैं लेके आई हूँ ये वाला गिफ्ट इंदू के लिए, और मैंने सोचा चल कुछ अलग सा ले लेते हैं, काफी दिन हो गए एक ही चीज मतलब देखते हुए। तो ये मैं लाई हूँ बैंगल बॉक्स, और इसे अब करेगी गुड्डू पैक। हाँ कैसा इनके अटैक है, मेकअप किट भी बन जाएगी है ऐसे। और ये इसमें ये भी लगा लो तो बैंगल बॉक्स, दोनों तरह से काम आ जाएगा। सुंदर लग रहा था, वैसे तो बड़ी भी थी लेकिन मैं थोड़ा छोटा लाई, जैसा कहीं जाओ तो आराम से ले जाओ, और सुंदर लग रही। देखिए आप इसे अब करेगी गुड्डू पैक, गुड्डू इसे पैक करता है। ये रैपर वगैरह हम ले आए क्योंकि हमने वहाँ पे पैक नहीं करवाए, वहाँ लेट हो रहे थे तो ये ले आए, तो यहाँ पे बच्चे कर लेंगे पैक। और प्यूरू भी अपने डैडी और मम्मी के लिए लाई गिफ्ट, वे आपको वही वीडियो में दिखेंगे मैं क्या लेके आई। नहीं इसको मत काटिए, लगाने है। लगानी बेटे कटन से कर दे अच्छे से बेटा, ठीक है। तीन कटोरी, दो चम्मच। तीन नहीं बब्बू, ज्यादा है, चार है, एक कम चार है। चारों बच्चे भी पाँच है, चक्कू तो काट बेटा, नूनी इनू ना करे। तो देखिए जी केक आ चुका है, और केक ये खतरनाक डिजाइन, पुराने वाला डिजाइन है वो, देख तूने हजारों बार ले रखा ना। चॉकलेट तो बतेरी इसमें, कृष्णा ने कर दिया इसे और डेकोरेट। क्या लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा चलिए जी, तिलक की प्लेट ले आओ भाई, और तिलक भी करेंगे क्या कहीं बच्चे? पियो तो आराम से बैठ, चलो चलो लो काट दे भाई। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। पे दे
देखिए जी, हमारा जो सेलिब्रेशन है वो हो चुका है शुरू। केक कट कर दिया है, बस छोटा सा सेलिब्रेशन, आपको पता ही है, बस इतना ही होता है हमारा। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, बस केक कट होता है, फिर एक दूसरे को खिलाते हैं और बस फिर ऐसे ही एक दूसरे को विश करते हैं। और यहाँ पे चॉकलेट जो थी, कृष्णा परेशान हो रहा था तो इंदु ने वो पहले ही निकाल के दे दिया है, मतलब सबको, कि फिर अगर ये चॉकलेट नहीं देंगे तो वो परेशान ही रहेगा। फिर इंदु ने सब बच्चों को एक एक करके दे दिया। और यहाँ नीरज भैया आज लाए हैं इंदु के लिए रोज़, तो वो दे रहे हैं और अच्छा लगता है। देखिए कोई अपने लिए कुछ भी गिफ्ट, तो देखो गिफ्ट ही होता है, ऐसा नहीं है वो को बहुत ज़्यादा कीमती हो, उसी की वैल्यू हो। प्यार से दिया हुआ एक गुलाब का फूल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आदमी के जीवन में। तो उसके बाद मम्मी ने भी आशीर्वाद दिया है और मम्मी ने हम सबको खिला दिया है केक, पूरी फैमिली को अपने हाथ से ही खिलाया। हिंदू और नीरज भैया को तो खिलाया ही खिलाया, हमें भी सबको साथ में खिला दिया केक। तो उसके बाद आ गया गिफ्ट की बारी। गिफ्ट चाहे कोई भी लेके आओ, मम्मा लाओ पापा लाओ, लेकिन देना तो बच्चों को ही होता है। तो ईशु ने तो पहले ही रख लिया कि मुझे देना है गिफ्ट मौसी को, तो उसने दे दिया। दोनों बच्चों ने ही दे दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, वो तो देना ही, चाहे तुम दे लो हम दे लो। बच्चे थोड़े से खुश हो जाते हैं, बच्चों को जब तक गिफ्ट नहीं देते ना एक दूसरे को, तो उन्हें लगता है कि हम गए तो कुछ दिया नहीं हमने, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस सबका फोटो सेशन भी चल रहा और एक दूसरे को केक खिलाना भी चल रहा। तो यहाँ मैंने भी खिला दिया दोनों को और दोनों को आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मेरा हक बनता है आशीर्वाद देने का। तो उसके बाद आ गई है फोटो सेशन की बारी। सबसे पहले इंदु ने और नीरज भैया ने खिंचवाया है फोटो, उसके बाद फिर हमने भी दोनों ने आशीर्वाद ले लिया मम्मी से, और उसके बाद बस ये बच्चे भी सब बैठ के कराएंगे मम्मी के साथ फोटो सेशन। और अच्छा लगता है, मम्मी तो शायद पहली बार ही रही यहाँ पे एनिवर्सरी पे, मतलब किसी की भी हो, तो मेरी तो हुई भी होगी एक दो, मुझे लग रहा दो तीन गांव में, लेकिन इंदु की तो शायद पहली बार ही हुई। तो ये चल रहा है हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। तो जी यहाँ देखिए खाना चल गया है सबका, खाने का जो टेंट है वो हमारा लग चुका है, वो देखिए सब लग गया खाने के लिए। बस मैंने दे दिया सबको, खाने में बताया ही था आलू गोभी बन रही, चावल बहुत अच्छी बन रही, लेकिन जो चटनी का मजा है ना वो बिल्कुल अलग ही है। वो अपने आप बना रखी ना, वनु है चटनी बढ़िया। यही है। तो यहाँ मेरी और इंदु की थाली भी आ गई, बस हम भी दोनों बहने खा लेंगे साथ साथ ही, क्योंकि खाना तो बना ही हुआ। मम्मी ले लो, मैं रोटी दे दूला। तो फ्रेंड्स, जो आज का सेलिब्रेशन था वो हो चुका है कंप्लीट अपना, आपको पता ही है हमारा इतना ही होता है। और इकट्ठे हुए सबने बातें करी, तो वो ही सबसे अच्छी बात है। खाना पीना हो गया, सारा हो गया, टाइम 10 बजने वाले हैं और बस अब हम चलते हैं। 9:30 ही हो रहे, हमारी घड़ी 15 मिनट आ गया, तो इसके चक्कर में भागे जा रहे हैं। 10 बजे तक ही पहुंचेंगे हम घर, फिर पार्किंग में गाड़ी भी लगानी, फिर घर गाड़ी दुकान का खड़ी कर दी, वहाँ जगह तो मिलती नहीं। पिछले वाली पता कितनी है, 30,000 रूपए की स्टेपनी है, एक बार भी लेगा दिक्कत आ गया। चलो गुड्डू, ईशु तो नहीं जा रही है, तुम चलो क्या कोई से? तो चलो, चलो आज तो तीन मम्मी का परस तो ले लिया, दिक्कत नहीं वो धरा वहीं से। अच्छा तो जी चलते हैं, आइयो भाई सारे। हाँ जी आ गए हम, तुमने बुलाया हम जल्दी, कल कोई मिलेंगे वहीं से। और आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत आदमी सब इनका, इनको खूब सारी विशेष देना, अच्छी अच्छी आशीर्वाद देना, भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखना देना हमें। चलो आज कम्बिनेशन भी बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, हमारे कपड़े भी ले रहे हैं, ठीक है।